हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रिवीजन वीडियो फॉर PT2। आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1 एंड 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री? हाउ इज़ पैरोडाइजेशन हेल्पफुल? पैरोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री मीन्स क्या होता है और वो कैसे हेल्पफुल होता है? डिविजन ऑफ हिस्ट्री इंटू डिफरेंट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड पैरोडाइजेशन। हिस्ट्री को जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है उसको पैरोडाइजेशन बोलते हैं। पैरोडाइजेशन हेल्प अस टू स्टडी एंड कंपेयर द फीचर ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स। पैरोडाइजेशन कैसे हेल्पफुल होता है? जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में उसको डिवाइड करते हैं तो वो अलग अलग टाइम पीरियड्स को कंपेयर करने में और उन्हें पढ़ने में ईजी होता है। नो द ऑर्डर इन विच इवेंट्स टुक प्लेस। कौन से इवेंट कब हुए हैं उनका ऑर्डर जानने के लिए भी ज़रूरी होता है। एंड नो डिफरेंट चेंजेस एंड डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन वेरियस फील्ड अक्रॉस द हिस्टोरिकल पीरियड्स। अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में क्या चेंजेस आए, क्या डेवलपमेंट हुए उनमें, वो भी हमें थ्रू पैराडाइजेशन समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्लासीफाई द इंडियन हिस्ट्री? वॉट वर द मेन प्रॉब्लम्स विद दिस काइंड ऑफ क्लासीफिकेशन? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को कैसे क्लासिफाई किया और उस क्लासिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम थी? द ब्रिटिश हिस्टोरियन क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, नेमली हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में क्लासिफाई किया था, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड्स। दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट शो द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट। इस क्लासिफिकेशन में से क्या हुआ, जो कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस और डेवलपमेंट्स हुए थे उनके बारे में नहीं बताया गया है। ऑल्सो दिस पैरोडाइजेशन इज बेस्ड ऑन रिलीजन ऑफ रूलर्स। और ये जो पैरोडाइजेशन उन्होंने किया था ये रूलर्स के रिलीजन के अकॉर्डिंग किया था। अगर उस पीरियड में हिंदू रूलर है तो उस पीरियड को हिंदू रूलर, हिंदू पीरियड दे दिया। इफ़ उस पीरियड में मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे हैं तो उसे मुस्लिम पीरियड कह दिया, और जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो उस पीरियड को ब्रिटिश पीरियड बोल दिया गया। इट डज़ नॉट कंसिडर द लाइफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द रूलर्स एंड पीपल ऑफ अदर रिलीजन हु को एग्जिस्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट एज इम्पॉर्टेंट। इस पीरियड से क्या हुआ, सिर्फ उन्होंने जो रूलर्स की लाइफ थी उनके जो प्रैक्टिसेस थे सिर्फ वही कंसिडर किए, और जो कॉमन पीपल्स थे उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदू रूलर है तो उनकी जो सारी प्रजा होगी उसमें भी सारे हिंदू ही लोग होंगे, अदर रिलीजन के लोग भी होते थे, तो उन्होंने उनको कंसिडर नहीं किया, इसलिए पैरोडाइजेशन को कंसिडर नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ ग्रुपिंग द टाइम पीरियड बिटवीन 8th and mid 18th centuries एज मिडिवल पीरियड इनकरेक्ट? जो 8th century से लेकर mid 18th centuries तक का जो टाइम पीरियड था उसे मिडिवल पीरियड बोलना गलत क्यों था? ग्रुपिंग द टाइम पीरियड बिटवीन 8th to mid 18th centuries एज मिडिवल पीरियड इज नॉट करेक्ट, बिकॉज दिस हिस्टोरिकल पीरियड इंक्लूड्स अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ 1000 years। इस टाइम पीरियड, इस हिस्टोरिकल पीरियड में जो 8th से लेकर 18th centuries तक का था, मीन्स कितना लॉन्ग पीरियड है, 1000 years, हज़ारों साल, कितना लंबा पीरियड होता है, तो इतने लंबे पीरियड को एक ही नाम देना गलत था। द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द पीरियड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट हैपेंड इन द लेटर पार्ट। जो सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे थे तो जो अर्ली टाइम पीरियड में जो चेंजेस थे, ऐसा तो नहीं हज़ारों साल तक वही इवेंट्स होते रहेंगे, उसमें चेंजेस तो आएंगे ना इतने सालों में। अभी तो हम देखते तो 1-2 महीने में ही चेंजेस हो जाते हैं, तो हज़ारों साल किसको कहते हैं? इतने सालों में जो चेंजेस हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, पहले जो थे और बाद के पीरियड में जो हुए वो चेंजेस काफ़ी डिफरेंट थे। देयरफॉर स्टडिंग ऑल ऑफ देम इन अ सिंगल पीरियड ऑफ हिस्ट्री मे नॉट बी अ गुड आइडिया। इसलिए उन सारे चेंजेस को, 1000 year के चेंजेस को एक ही पीरियड में पढ़ना गलत था। मोर ओवर द नॉमिनक्लेचर ऑफ द पैरोडाइजेशन इज़ कन्फ्यूजिंग। जो पैरोडाइजेशन को उन्होंने नॉमिनक्लेचर किया वो बहुत कन्फ्यूजिंग था। मॉडर्न पीरियड इज़ एसोसिएटेड विद ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। मॉडर्न पीरियड उन्होंने किसको कहा, जहाँ पर ग्रोथ और प्रोग्रेस हुई।
वाइल मिडिवल सोसाइटीज बिलीव टू डिवॉइड ऑफ एनी चेंजेस एंड डेवलपमेंट. और मिडिवल पीरियड उन्होंने किसको कहा जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. लेकिन ये करेक्ट नहीं था क्योंकि जो सोसाइटी और इकोनॉमी थी वो मिडिवल पीरियड में भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, उसमें भी चेंजेस आ रहे थे, इसलिए ये नॉमिनिक्लेचर सही नहीं लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय हिस्टोरियंस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स. हिस्टोरियन को मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ करने में क्या डिफ़िकल्टीज आती थी. मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो आपको याद है ना, मैंने एक्सप्लेन किया था मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं. द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर एज फॉलोज. मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स जो वो लोग लिखते थे रूलर्स के बारे में या जो टाइम पीरियड के बारे में जो लिखा गया था, जो रूलर्स लिखवाते थे वो होता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स. सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द टेक्स्ट एट द टाइम ऑफ कॉपिंग रिक्वायर्स द हिस्टोरियंस टू रीड मैनी वर्जन्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड एक्चुअली बीन रिटन. अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो क्या थे, हैंड रिटन होते थे, वो लोग हाथों से लिखते थे. पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी जो प्रिंट कर दें, तो हाथों से लिखते थे. जो फर्स्ट जो ओरिजिनल कॉपी थी वो किसी और ने लिखी, फिर जो उसकी कॉपीज़ बनी उसको बार बार लिखा जाता था, तो जो कॉपीज़ बनती थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते थे. इसलिए उन्हें जो ओरिजिनल वर्जन था उसे समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी. द वर्जन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिवाइज्ड अर्लियर इफ़ फाउंड लेटर मे कॉज कन्फ्यूजन. जो पहले लिखा गया है और जो बाद में लिखा गया है, दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते थे, इसकी वजह से उन्हें कन्फ्यूजन होता था हिस्टोरियंस को. ड्रास्टिक चेंजेस इन ग्रामर वोकैबुलरी मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस आर यूज्ड मेक्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट डिफ़िकल्ट. अब हाथों से लिखा जाता तो कहीं ग्रामर मिस्टेक हो जाती थी, कभी वोकैबुलरी चेंज हो जाती थी, टर्म्स के मीनिंग ही चेंज हो जाते थे, इसलिए उन्हें इंटरप्रिट करने में डिफ़िकल्टी होती थी. नेक्स्ट, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द मिडिवल पीरियड. मिडिवल पीरियड में फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है. इन द मिडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु वॉज फ्रॉम अनादर सोसाइटी और कल्चर. मिडिवल पीरियड में फॉरेनर वर्ड किसी भी स्ट्रेंजर के लिए यूज़ किया जाता था जो किसी और सोसाइटी से हो या किसी और कल्चर से हो. अभी तो हम फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, जो किसी और कंट्री से आया हो. लेकिन मिडिवल पीरियड में फॉरेनर वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता जो किसी और सिटी से या किसी और विलेज से भी आया हो, उसकी सोसाइटी डिफरेंट हो या उसका कल्चर डिफरेंट हो, उसके लिए यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज देयर अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बिटवीन 700 and 750 CE. 700 and 1750 CE में जो रिकॉर्ड्स बनाए गए उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हुआ, क्यों इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनने लग गए थे. During the period between 700 and 1750 CE, paper became cheaper and widely available. इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, पेपर का इन्वेंशन हो गया था. पेपर इन्वेंट हो गया था तो लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया. पहले तो क्या था, पेपर नहीं होता तो या तो लीफ के ऊपर लिखते थे या रॉक्स के ऊपर लिखते थे, तो वो इतना अवेलेबल नहीं होते थे या वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाते थे. वो तो पेरिशेबल होती है लीव्स और ये, लेकिन जो पेपर होता था उससे आप संभाल के रख सकते हैं. वो बहुत ज़्यादा चीप भी होते थे और ईजिली अवेलेबल हो जाते थे. पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स, फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस. इन सारी चीज़ों के लिए पीपल ने पेपर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. स्क्राइब्स वर हायर टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट्स विच वॉज कलेक्टेड बाई वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स एंड प्रिजर्व इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स. स्क्राइब्स कौन होते थे, जो लिखने का काम करते थे, जिनकी हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल होती थी, तो उन्हें स्पेशली हायर किया जाता था रूलर्स के थ्रू अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स लिखवाने के लिए. दैट वाज स्क्राइब्स. ऑल दिस रिजल्टेड, और ये जो स्क्राइब्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे तो उन्हें कहाँ रखते थे, लाइब्रेरीज में या आर्काइव्स में प्रिजर्व करके रखते थे. ऑल दिस रिजल्टेड इन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट, वाई डू हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट वर्जन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर कंक्लूडिंग वॉट वॉज ओरिजिनली रिटन. हिस्टोरियंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जब वो कंक्लूजन निकालते थे कि कौन सी ओरिजिनली रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है, तो उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी क्यों होती थी, उन्हें इतने डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स क्यों पढ़ने पड़ते थे. सिंस प्रिंटिंग प्रेस वॉज नॉट अवेलेबल इन मेडिवल पीरियड, द स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड.
जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था मिडिवल पीरियड में, तो जो स्क्राइब्स होते थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड से लिखते थे. ड्यू टू दिस मैनी ह्यूमन एरर्स क्रैप्ड इनटू द मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इसकी वजह से क्या होता था, ह्यूमंस हैंड से लिखते थे, बहुत ज़्यादा एरर्स आते थे उसमें लिखने में. अभी आप भी अगर अपने फ्रेंड की कॉपी में से लिखते हो, तो अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी उस वर्ड को गैस करके लिख देते हो. ऐसे ही पहले भी होता था. द स्क्राइब्स मेड अ गैस व्हेन हैंड राइटिंग वॉज नॉट क्लियर एंड लेजिबल. जब उन्हें हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती थी, तो वो वर्ड गैस कर लेते थे. समटाइम्स दे चेंज्ड और फॉरगॉट टू राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस एट सम प्लेसेस. तो समटाइम क्या होता था, अगर वो लिखना भूल गए, कोई वर्ड मिस हो गया या कोई सेंटेंस मिस हो गया, तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता था. दिस स्लाइट डिफरेंसेस बिकेम क्वाइट सिग्निफिकेंट आफ्टर द टेक्स्ट वॉज कॉपीड. तो जब उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी बनती थी, तो उसमें स्लाइट डिफरेंसेस आ जाते थे. आफ्टर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग द टेक्स्ट ऑफ द न्यू मैन्युस्क्रिप्ट बिकेम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड. तो जब सेंचुरीज तक उसकी कॉपी बनती थी, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस कर करके वो पूरी कॉपी चेंज हो जाती थी ओरिजिनल वन से. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिस्टोरियंस टू फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर. सो हिस्टोरियंस को डिफ़िकल्टी होती थी कि ऑथर की मेन ओरिजिनल कॉपी कौन सी है उनके द्वारा लिखी गई. सो दे हैव टू रीड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर कंक्लूडिंग व्हाट वाज ओरिजिनली रिटन. सो उन्हें डिफरेंट वर्जन्स पढ़ना पड़ते थे कंक्लूजन निकालने से पहले. नेक्स्ट, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज. अलग अलग सेंचुरीज में हिंदुस्तान वर्ड का क्या मीनिंग निकाला गया. द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान हैज़ चेंज्ड इन डिफरेंट वेज ओवर द सेंचुरीज. इन 13th सेंचुरी क्रॉनिकलर मिन्हाज आई सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट टू रिफर टू द लैंड्स अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. जो 13th सेंचुरी में जो क्रॉनिकलर आए थे मिन्हाज आई सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड किसके लिए यूज़ किया था, जो लैंड दिल्ली सुल्तान के अंदर आती थी. द टर्म इनिशियली डिनोटेड द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. इनिशियली तो उन्होंने जो पंजाब हरियाणा और जो लैंड गंगा एंड यमुना रिवर के बीच में आती थी, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था. लेकिन बाद में जो साउथ इंडिया को भी उन्होंने उसमें एक्सेप्ट कर लिया, जो कि दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में आई थी. इन 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब जोग्राफी एनिमल्स एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. 16th सेंचुरी में बाबर आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड किसके लिए यूज़ किया, जो सब कॉन्टिनेंट में की जो जोग्राफी थी, जो वहाँ के एनिमल्स थे, जो इनहेबिटेंट्स थी वहाँ की, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया. एंड 14th सेंचुरी में पोइट थे अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया, जो इंडस रिवर के नियर जो पीपल रहते थे, उनकी जो कल्चर्स थी, उसके लिए उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया. एंड टुडे द टर्म हिंदुस्तान इज अंडरस्टूड एज इंडिया द मॉडर्न नेशन साइट. और अभी हम लोग हिंदुस्तान किसके लिए यूज़ करते वर्ड, जो पूरी हमारी कंट्री है इंडिया, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं. नेक्स्ट, कंपेयर द मैप मेड बाय अल इदरीसी एंड दैट ऑफ द फ्रेंच कार्टोग्राफर. अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया था, दोनों को हमें कंपेयर करना है. द मैप मेड बाय अरब जोग्राफर अल इदरीसी वॉज डिफरेंट इन मैनी वेज फ्रॉम द वन मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर. अल इदरीसी स्केच्ड द मैप इन 1154 CE while French cartographer drew his map 600 years later in 1720s. अल इदरीसी ने जो मैप स्केच किया था, वो इन्होंने 1154 CE में किया था, और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया, वो उन्होंने 600 साल बाद बनाया, मीन्स 1720s में. अल इदरीसी डिजाइंड हिज मैप विथ साउथ पोल एट द टॉप, therefore श्रीलंका एंड साउथ इंडिया shone at the top एंड नॉर्थ इंडिया एट द बॉटम. दिस इज़ नॉट इन केस विद मैप मेड बाई फ्रेंच कार्टोग्राफर. अब अल इदरीसी ने जो मैप डिज़ाइन किया था, तो उन्होंने साउथ पोल को टॉप पे कर दिया और नॉर्थ पोल को बॉटम पे कर दिया. जो श्रीलंका, साउथ इंडिया और ये जो स्टेट्स थी, ये टॉप में चली गई और नॉर्थ इंडिया को वो लोग बॉटम में ले आए. सो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया, उसमें ऐसा नहीं था. ये आप अपनी कॉपी में करेक्ट कर लीजिएगा. ये गलती से मैंने बॉटम की जगह टॉप लिख दिया था, टॉप की जगह बॉटम कर दिया था. तो ये सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में करेक्ट कर लें. नेक्स्ट, द नेम ऑफ प्लेसेस आर मार्क्ड इन अरबिक इन अल इदरीसी मैप व्हाइल दिस आर मार्क्ड इन फ्रेंच इन अदर मैप. अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था, उन्होंने उसमें अरब
लैंग्वेज में मार्क किया है, और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाए थे तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में मार्क किया है। इन अल इदरीसी मैप द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर नॉट टू डिटेल्ड एंड मैप लुक्स अनफैमिलियर। अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था तो उन्होंने कोस्टल एरियाज को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, तो वो हमें अनफैमिलियर लगा क्योंकि ऐसा मैप हमने कभी देखा नहीं। और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया तो उन्होंने कोस्टल एरियाज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो मैप हमें फैमिलियर लगा। कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो मैप्स बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे तो फॉरेस्ट क्लियर होने की वजह से उनके लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ? द हैबिटेट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स श्रैंक इन साइज ड्यू टू द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट क्लियर होने लग गया तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो लोग वहाँ पर रहते थे, उनके साइज श्रिंक होने लग गई। सो मैनी ऑफ द फॉरेस्ट पीपल माइग्रेटेड टू न्यू प्लेसेस एंड सम ऑफ देम स्टार्टेड फार्मिंग। तो कुछ फॉरेस्ट पीपल्स ने तो वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया, वो लोग न्यू प्लेस में जाकर शिफ्ट हो गए, और कुछ लोग वहीं रह के फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। Gradually they became a part of the mainstream society that was once unknown to them. So धीरे धीरे वो लोग जो मेन सोसाइटी होती थी उसका पार्ट बन गए, जिससे वो लोग अनफैमिलियर थे, वो लोग जानते नहीं थे उसके बारे में। They had to pay taxes and offer tributes to the local chieftains. फिर जब उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने टैक्स भी पे करना स्टार्ट किया, और वो लोग जो लोकल chieftains होते थे वहाँ कर उन्हें tributes भी ऑफर करते थे, गिफ्ट देते थे, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, वॉट आर जातीज़, हाउ डिड जातीज़ मैनेज देयर अफेयर इन मिडिवल टाइम। जातीज़ क्या होती थी और मिडिवल टाइम में वो अपने अफेयर्स कैसे मैनेज करते थे? जातीज़ आर द सब डिविजन ऑफ द फोर मेन कास्ट ऑफ द हिंदूज। हिंदूज़ की जो मेन फोर कास्ट होती थी उनके जो सब डिविजन्स होते थे उन्हें जातीज़ कहा गया है। ईच जाति फ्रेम्ड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी जाति होती थी वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाते थे। द जाति पंचायत विच कंप्राइज ऑफ द एल्डर्स ऑफ जाति मेट श्योर दैट द जाति मेंबर फॉलोड दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। उन जातीज़ के एक जाति पंचायत होता था, जो लोगों का काम होता था उसके, उस जाति के जो एल्डर्स होते थे वो लोग पंचायत के मेंबर्स होते थे, और उन लोगों का काम होता था कि जो उस जाति के मेंबर से वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं वो उसको लुक आफ्टर करते थे। नेक्स्ट, हुवर राजपूत्स। राजपूत्स कौन होते थे? राजपूत्स वर द वॉरियर्स दैट फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप दैट रोज इन द अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड में जो वॉरियर्स होते थे उनका एक पॉलिटिकल ग्रुप होता था, उन्हें कहा गया राजपूत। दे क्लेम्ड टू बी क्षत्रियास एंड वर द रूलर्स चीफटेंस सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स फेमस फॉर द लॉयल्टी एंड ब्रेवरी। ये लोग क्षत्रियास होते थे और वो या तो रूलर्स होते थे, चीफटेंस होते थे, सोल्जर्स होते थे, मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जिन्हें अपनी लॉयलिटी और ब्रेवरी के लिए फेमस थे वो लोग। हाउ डिड द पेन रीजनल एम्पायर ऑफ मिडिवल इंडिया इन्फ्लुएंस द न्यू रीजनल एम्पायर्स दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ देम। पेन रीजनल एम्पायर जो होते थे मिडिवल इंडिया में, उससे कैसे धीरे धीरे न्यू रीजनल एम्पायर्स इमर्ज होने लग गए? When might of pan regional empires weakened, many regional empires emerged out of them. जो pan regional empires weak होने लग गए तो उसमें से बहुत सारे new regional empires emerge होने लग गए. However, long association with pan regional empires influenced their administration and culture. Many systems, practices and traditions which were being followed in pan regional empire continued with much change in the regional empires. धीरे धीरे जब regional empires emerge होने लग गए तो जो पैनिशनल एम्पायर के सिस्टम्स, उनके प्रैक्टिसेस, उनके जो ट्रेडिशंस होते थे वही वो लोग फिर से फॉलो करते थे रीजनल एम्पायर्स भी। एग्जांपल, द गवर्नेंस, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, लैंग्वेज एंड कल्चर इन न्यू रीजनल स्टेट्स वर सिमिलर टू दोज ऑफ द एम्पायर्स ऑफ विच दे वर अ पार्ट फॉर ईयर्स। और ये जो होती थी चीज़ें, उनके गवर्नेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका, उनके कल्चर्स, उनके सिस्टम, सभी वो लोग वैसे सिमिलर ही थे उनसे। लेकिन फिर भी जो मैन रीजनल, जो पैन रीजनल एम्पायर्स होते थे उनकी जब उनकी पावर वीक होने लग गई तो वो छोटे छोटे न्यू रीजनल एम्पायर्स उसमें से इमर्ज होने लग गए। व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन ट्रेडिशन ऑफ हिंदुज़म ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। हिंदू मिडिवल पीरियड में जो हिंदुज़म के ट्रेडिशंस थे उनमें क्या चेंजेस आए?
द मेजर चेंजेस विच अकर्ड इन ट्रेडिशन ऑफ हिंदुज्म ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड आर एज फॉलोस. क्या चेंजेस आए? पीपल बिगैन टू वर्शिप न्यू डिटीज. पीपल्स ने न्यू गॉड को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया. जिसको जो गॉड पसंद आते थे वो उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया. टेम्पल्स डिवोटेड टू न्यू डिटीज वर कंसिडर्ड बाय किंग्स एंड क्वींस. जो किंग और क्वीन होते थे उन लोगों ने उनके टेम्पल्स बनाने स्टार्ट कर दिए. ब्राह्मिन्स वर सपोर्टेड बाय न्यू रूलर्स एंड रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी. ब्राह्मिन्स को रूलर्स ने सपोर्ट किया और उन्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया सोसाइटी में. द आइडिया भक्ति स्प्रेड इन सब कॉन्टिनेंट. भक्ति का आइडिया स्प्रेड हुआ. फिर तो जो फॉलोवर्स होते थे भक्ति के वो लोग वर्शिप करते थे अपने चूजन डीटी की. कोई से भी गॉड को चूज़ कर लिया जाता था. जिसको जो पसंद आता था वो उनकी पूजा करते थे विदाउट परफॉर्मिंग एनी इलाबोरेट रिचुअल्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रिस्ट. उनमें प्रिस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था. पुजारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. अपने घर में ही अपने भगवान की मूर्ति लगा ली और उनकी पूजा कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इस्लाम रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम रिलीजन कैसे आया ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड. व्हाई डिड इट बिकम पॉपुलर विद कॉमन पीपल. ये रिलीजन इतना पॉपुलर कैसे हुआ कॉमन पीपल्स के बीच में. ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड द टीचिंग ऑफ कुरान वॉज वर ब्रॉड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई अरब मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स. जो अरब कंट्री से मर्चेंट्स आते थे बिजनेस करने के लिए वो लोग इस कुरान की टीचिंग को ले किया है. इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड मैक्स नो डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड. इस्लाम जो रिलीजन है उसमें क्या होता था, सोशल इक्वलिटी थी. वो लोग पीपल में कोई डिफरेंस नहीं रखते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड कि वो कौन से बैकग्राउंड का है. उसके अकॉर्डिंग उनमें कोई सोशल इनइक्वालिटी नहीं थी. वो लोग सबको एक जैसा समझते थे. इस वजह से ये रिलीजन इतना पॉपुलर हो गया कॉमन पीपल्स के बीच में. ओके, अंडरस्टूड.